से लगी आग, धुआं धुआं हुआ बाजार, मची अफरा तफरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। बेगूसराय मेन रोड में उस समय अचानक अफरा तफरी मच गई जब एक दुकान से घने धुएं को निकलते लोगों ने देखा। देखते ही देखते घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी हाय तौबा मचाने लगे। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने आग बुझाने को लेकर अपनी तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। घटना नगर थाना क्षेत्र के मेन रोड अंतर्गत नौरंगा पुल स्थित गिफ्ट दुकान की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार को सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा को अर्घ देकर लौट रहे थे कि दुकान से निकलते आग की लपटे एवं धुओं को देखकर हड़कंप मच गया। उसने बताया कि इस दृश्य को देख लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी आग बुझाने में जुट गए। पटाखे से आग लगने की आशंका जताते हुए बताया कि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और दुकान के बाहर ही कचरे में आग लगा था। हालांकि आग लगने की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस सहित अग्निशमन कर्मी दमकल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक लोगों ने आग बुझा लिया था। पीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। धुआं हो रहा था तो हम सब देखे धुआं हो रहा है, तो फिर गए तो गए तो देखे आग बहुत थोड़ा तेज हो गया है, तो तेज हो गया था यहाँ के आदमी से सब सूझबूझ के कारण वो आग बुझा पाए। स्थानीय लोग ही बुझाए, स्थानीय लोग के बजाय हम सब थोड़ा मेहनत किए हैं तो आग पर काबू पाए हैं। किस चीज़ का दुकान है? यहाँ गिफ्ट कॉर्नर का दुकान है, पूजा पाठ का भी है और गिफ्ट कॉर्नर का भी दुकान है। वहाँ पे कचरा भरा हुआ था तो कचरा में ही आग लग गया। कैसे लगा ये कुछ जानकारी मिला है? नहीं, जानकारी तो नहीं मिला है, लेकिन पटाखे के कारण हो सकता है इसमें आग लगा है। शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। दुकान के अंदर लगा हुआ है या बाहर? दुकान के बाहर लगा हुआ है। दुकान के बाहर, अंदर सुरक्षित है? हाँ, दुकान तो फिर वो कचरा सब बाहर का ही है। हाँ, कचरा सब बाहर का ऊपर में था तो उसी के कारण हो सकता है उसी में आग। किस जगह की घटना है? नौरंगा पुल। क्या नाम हुआ आपका? ललित मातो। स्थानीय आदमी है? स्थानीय आदमी। दुकान किनका है? दुकान इसमें है छोटू चौधरी का, जिनका मार्केट है उनका। और ऐसे दुकान जयशंकर जी का है और ये मार्केट है छोटू चौधरी। देखे तो मतलब क्या हो? तो कैसे क्या हुआ, कुछ मिला जानकारी कि नहीं? कहा ये लोग कुछ बता रहे हैं। हम बहुत देर से बंद।